एक नंबर यार भाई, एक नंबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ जयपुर के एक और फूड की नई सीरीज। अभी हम हैं दुर्गापुरा पुलिया पर और आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पे गोपी स्वीट दिख रहा होगा आपको, जो कि बहुत ही फेमस दुकान है अपनी कचौरी, दाल कचौरी और जलेबी के लिए। ये अपने पूरे एरिया में फेमस है, पूरे जयपुर में फेमस है, इसलिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं कि जिन जिन जगह पर हम जाएंगे वो अपने एरिया में तो बहुत फेमस है पर पूरे जयपुर में फेमस नहीं है, तो हम उसे करेंगे जयपुर में फेमस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गोपी स्वीट्स पर, आगे से पुलिया से उतरते हैं और आपको दिखाते हैं गोपी स्वीट्स की कचौरी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गोपी स्वीट्स के आगे और आप ये देख सकते हो दुर्गापुरा फ्लाईओवर। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे बन रहे समोसे, समोसे भी इनके काफी बढ़िया है। भैया यहाँ पे कचौरी ज्यादा चलते है समोसे? समोसे दाल की कचौरी ज्यादा, दाल की कचौरी, दाल की कचौरी तो मैंने काफी खाई है। तो दोस्तों आप यहाँ के समोसे भी ट्राई कर सकते हो। देखिए ये भी हमारी कचौरी बिल्कुल गरम गरम है और देखिए कितनी मोटी है, अभी आपको ट्राई करके बताता हूँ। तो दोस्तों आप ट्राई करके बताता हूँ मैं कैसी कचौरी है, बहुत ही मोटी कचौरी है और दाल से भरी हुई है। एकदम शानदार, दाल में बहुत सारा टेस्ट आएगा आपको, तो मसालों का थोड़ी तीखी है पर एक बार जरूर ट्राई बनता आप खा के देखना। दोस्तों देखिए यहाँ पे भीड़ भी काफी लग रही है, तो हम पूछते हैं कैसी लगी इनको भैया को कचौरी। अंकल कैसी लगी आपको कचौरी, कैसी लगी कचौरी? मस्त एकदम, बढ़िया है। क्या खासियत है कचौरी, क्या खासियत है? तो पहली बात ना, बम्बई में, हम तो बम्बई से हैं। अच्छा, बम्बई में क्या है ये आपको मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो ऐसा टेस्ट नहीं आता, एकदम खालिस जिसको बोलते हैं। तीखी थोड़ी है ना, मस्त है, थोड़ा मिर्च ज्यादा है, जो है जितना होना चाहिए वैसा है। आपको कैसी लगी? बढ़िया, मैं तो बैंगलोर का हूँ। बैंगलोर से? बहुत मिर्चा मांगा, मिर्च ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है पर ये स्पेशल है यहाँ पे आस पास, बढ़िया मिल गया, ब्रिलियंट है। तो अगर आप यहाँ पे कचौरी खाओगे तो आपको जलेबी खाने की तो महसूस जरूर होगी, कि बहुत बहुत तीखी कचौरी होती है इनकी, इनकी जलेबी भी बहुत टेस्टी होती है, मैंने बहुत बार ट्राई करी है। देसी घी की जलेबी होती है इनकी, देखिए अभी अंकल जी बना रहे हैं, काफी पतली पतली सी जलेबी होती है। गरम गरम जलेबी, अभी हम इसको ट्राई करेंगे। देखिए जलेबी आ गई इधर, अब हम लेंगे जलेबी। अगर 100 ग्राम देना जलेबी, सारी मिठाई यहाँ पे देसी घी की मिलती है, अभी आपको जलेबी टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये रही जलेबी, ट्राई करते हैं हम। दोस्तों आप इसे खाओगे ना तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आएगी, प्योरिटी, बिल्कुल प्योर देसी घी की है। आप एक बार जरूर यहाँ पे आइए, इनकी दाल कचौरी खाइए और इनकी जलेबी खाइए, आप निराश नहीं होगे। ये था गोपी स्वीट्स, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि बिल्कुल दुर्गापुरा में ही है और पुलिया के नीचे ही है। ये है दुर्गापुरा पुलिया, आगे जाके आएगा वो, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए अब हम आ गए हैं शिवम दाल पकवान, काफी पुरानी दाल पकवान की दुकान है और ये देखिए दुर्गापुरा फ्लाईओवर के जस्ट नीचे है ये, तो चलिए अब लेते हैं दाल पकवान हम इनसे। देखिए इनकी दाल सिगड़ी पे लगाते हैं, कब से लगा रहे हो उनका दाल? 35 साल, 1989 यहीं पे लगाते हो? पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, भीड़ बढ़ने लगी तो कॉलोनी वाले अस्सी कहने बोले यार क्या भीड़ लगा रखी, कितने का अंकल? कैसा लगा अंकल, टेस्ट कैसा लगा? एक नंबर यार भाई, एक नंबर। मैं तो खाता आता हूँ भैया, पहली बार ही खाया हूँ, एक नंबर, मैं तो काफी बार खा ली है। तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे खाते हैं,
इस तरह से दाल लगाते हैं। और अलवर में तो पूरी दाल इसके ऊपर बिगेट लेते हैं, काफी जगह पर ये दाल को पकवान के ऊपर डाल लेते हैं, पर हम ऐसे खाते हैं। शानदार है, शानदार, एक बार जरूर ट्राई बनता है। जबरदस्त है, जबरदस्त। यहाँ कितने बजे आते हैं? 11 भी बजे हैं, 12 भी बजे हैं। 11 और कब तक रहते हो? 4:30। बढ़िया दाल पकवान है आप, ठीक है अंकल, है ना? ओके ना। तो दोस्तों एक बार जरूर खा के देखिएगा, इधर के दाल पकवान बहुत ही टेस्टी है, आप निराश नहीं होंगे। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में मेरा बहुत सारा एफर्ट जा रहा है, तो इसके बदले मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, बस एक लाइक और एक कमेंट मांग रहा हूँ। कुछ भी कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कुछ भी। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, हिम्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। तो अब हम आ गए हैं मानसरोवर में, स्वर्ण पथ पर है ये दुकान। देखिए बर्गर की दुकान है द टेस्ट ऑफ पंजाब, और इधर देखिए बहुत ही वैरायटी के बर्गर्स मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए चीज डाल दी, वैरायटी कितनी है आपके पास? वैरायटी बर्गर की 32 तो 32 वैरायटी है भैया के पास। ये चाउमीन भी डालते हैं अपने बर्गर में। तो ये रहा हमारा चीज बर्गर, और ये बर्गर 35 रुपए का आया है, और 35 रुपए में बिल्कुल वर्थ इट है, एक बार जरूर ट्राई बनता है। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, और ये जगह खुली रहती है 2 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, तो आप आके देखिए, टेस्ट करिए, बर्गर एकदम मस्त है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मानसरोवर में छोटू टी स्टॉल, ये ICG कॉलेज के जस्ट पास में, और आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ की पेटीज और मसाला बन बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो वो आप ट्राई करो। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, अभी शाम का टाइम है, फुल भीड़ होती है उनकी। देखिए पेटीज धड़ल्ले से बिकती है भैया, एक मस्का बन और एक वो पेटीज। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये अपनी पेटीज तैयार करते हैं, पूरा मसाला वगैरह डालते हैं, उस पर नमकीन डालते हैं, और ऊपर से इनकी स्पेशल बनी हुई सॉस डालते हैं। दोस्तों देखिए ये पेटीज है 25 रुपए की, और ये 30 रुपए का है। तो देखिए इसमें खास तरह के ये सॉस और डालते हैं, कुछ चीज जैसा होता है पर अलग तरीके से खुद ही बनाते हैं। तो ये देखिए आप अंदर मसाला डाला गया है, और मैं अब आपको खा के बताता हूँ। दोस्तों देखिए ऐसे बिल्कुल क्रंची क्रंची से पेटीज, बिल्कुल फ्रेश, एक नंबर की पेटीज है भैया, एक बार जरूर खा के देखिए, आप निराश नहीं होंगे। देखिए इसमें मसाला डाला गया है और वही वाली सॉस डाली है, मस्त लगता है, शानदार है, शानदार। दोस्तों पेटीज वगैरह खा लिए, मजा आ गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं, और आप इधर की कोल्ड कॉफी भी ट्राई करते तो वो बहुत अच्छी। ये देखिए काफी पुरानी दुकान है, और इस दुकान का नाम है गुरु कृपा मानसरोवर में, यहाँ पे KV विद्यालय, उसके आगे जाके ये गुरु कृपा। सूजी वाले के तुम दिखाने बताओ, लो जी सूजी वाले दे दो, लिखते हैं सूजी वाले। ये दही लगाते हैं बहुत सारी, ये कितनी सारी दही डाल रहे हैं मेरे यार, उसके लिए क्या।
दोस्तों देखिए यहाँ अचार वगैरह भी मिल जाएंगे। ये क्या रेट है? 140 का है। 140 का है। ये देखिए कितनी भीड़, आप देख सकते हो भीड़ इतनी जमा हो गई है। काफी बढ़िया दुकान है, पुरानी दुकान है मानसरोवर की। दोस्तों ये थी मानसरोवर और दुर्गापुरा का फेमस फूड, बहुत ही टेस्टी था, सारी चीज सब टेस्टी थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।